जो भी विद्यार्थी इस साल एग्जाम दिए हैं, यदि उनको डर है कि मेरा इस विषय में क्रॉस लग जाएगा या इस विषय में फेल हो सकता हूँ, तो वो विद्यार्थी इस वीडियो को जोर देखें, क्योंकि इस बार मैट्रिक का एग्जाम हो चाहे इंटरमीडिएट का एग्जाम हो, उनका एक विषय तो जरूर बहुत कम लिखाया है, ठीक है ना। तो आखिर कैसे आप कैसे अपना जो नंबर है वो बढ़ा सकते हैं, ये दो तीन तरीका बता रहा हूँ कि जिस विषय में आपको फेल होने का डर है कि इस सब्जेक्ट में मेरा क्रॉस लग सकता है, इस सब्जेक्ट में मैं फेल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कारगर तरीका आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, यदि आपको लगता है कि भैया मेरा ये विषय में कम लिखा है और इस विषय में इस सब्जेक्ट में मैं फेल होने वाला हूँ, तो दो तीन काम आपको करना। देखिए जैसे आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका मैथ, मान लीजिए आपका कमजोर गया, ठीक है ना, मैथ में आप ज्यादा नहीं लिख पाए हैं, तो मान लीजिए कि मैथ में यदि आप ज्यादा नहीं लिख पाए हैं, तो कम से कम आपको मान लीजिए कि 20-25 नंबर तो आपको आना चाहिए, आना चाहिए कम से कम। जैसे बिहार बोर्ड का नियम है कि कम से कम विद्यार्थी को 100 में 30 नंबर लाने हैं पास होने का, अगर 30 नंबर नहीं आता तो विद्यार्थी फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला आपके पास ऑप्शन आता है ग्रेस मार्क का, मान लीजिए आप मैथ में या साइंस में, सोशल साइंस में, आर्ट्स, जो भी विषय आपके पास लिए हैं और एक विषय में आपको डर है कि इसमें क्रॉस लग जाएगा, तो उसके लिए आपके पास ग्रेस मार्क एक ऑप्शन आते हैं। अब आप सोचेंगे ग्रेस मार्क क्या है, देखो बिहार बोर्ड का जो ग्रेस मार्क्स है, चाहे किसी भी बोर्ड का ग्रेस मार्क्स होता है, हर बोर्ड अपना ग्रेस मार्क्स देता है, ठीक है, कम से कम जो ग्रेस मार्क्स होते हैं वो 5 नंबर मिलते हैं। मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय में आप 5 नंबर से फेल हो रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गणित में आपने आपका 25 नंबर आया और आपको पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, तो उस कंडीशन में एग्जामिनर जो है ना प्लस 5 नंबर आपको दे के वो गणित में पास करवा देगा। लेकिन अगर उसी प्रकार से दो तीन विषय में क्रॉस लग गया, 5-5 नंबर से कम है, तो उस कंडीशन में आपका बोर्ड जो है ना आपको ग्रेस मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि एक विषय में ही कोई ग्रेस मार्क्स देख सकता है। और याद रखिए ग्रेस मार्क जो होता है वो आपको 5 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर किसी सब्जेक्ट में आप 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3-4-5 नंबर तक फेल हो रहे हैं, तो आपका बोर्ड जो है वो 5 नंबर ग्रेस मार्क्स देगा और आपको पास करवा देगा, लेकिन 5 नंबर से अधिक नहीं देगा। और दूसरी बात, अगर 1 से अधिक विषय में क्रॉस लग रहा है, चाहे आप फेल हो रहे हैं, तो ग्रेस मार्क आपको नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर तब आपको पास करवाता है, चाहे बोर्ड आपको तब पास करवाता है, ग्रेस मार्क्स तब देगा जब आप भैया 1-2-3-4 किसी एक विषय में 1-2-3-4-5 नंबर से फेल हो रहे होंगे तब, ठीक है ना। तो ग्रेस मार्क्स आपके पास ऑप्शन आता है, तो घबराए नहीं। जिस विद्यार्थी को डर है कि मेरा मैथ में कम लिखा है, चाहे किसी एक विषय में कम लिखा है, तो भैया अगर एक विषय में कम लिखाया है और उसमें 1-2-3-4-5 नंबर से आपको फेल होने का डर है, तो आपको बोर्ड जो है ना वो खुद ग्रेस मार्क्स देकर आपको पास करा देगा उस विषय में, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया और आपको पता चला कि भैया हम इसी विषय में फेल हो गए गणित में, ठीक है, और आपको इतना भी पता है कि मैंने खूब लिखा है इस विषय में, उसके बाद भी बोर्ड हमको फेल किया है, तो उस कंडीशन में आप रीचेकिंग का ऑप्शन डाल सकते हैं। रीचेकिंग का मतलब क्या होता है, आप फिर से कंफर्म कर सकते हैं कि आपने हमें इस विषय में कैसे फेल किया, जबकि मैंने इस विषय में पूरा लिखा है, तो आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद रीचेकिंग का ऑप्शन जारी कर दिया जाता है। आप खुद आप जो है ना आप जो है उसी समय से लगभग रीचेकिंग अपना डाल सकते हैं, यानी मान लीजिए आपका मैथ में आप फेल हो गए हैं और आपको शक नहीं था कि मैथ में फेल होंगे, उसी में आपको फेल कर दिया, तो आप फिर से उस वहाँ क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि मेरा फिर से कॉपी चेक किया जाए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप फिर से अपना उस विषय की कॉपी चेकिंग करवा के आप उसमें रिजल्ट अपना मंगवा सकते हैं, तो रीचेकिंग का ऑप्शन आपके पास आते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा है कि बाय चांस 1 या 2 विषय में आपको क्रॉस लग गया या 1 से 2 विषय में आप फेल हो गए, तो उस कंडीशन में आप कपाल मेंटल का एग्जाम दे सकते हैं। कपाल मेंटल का एग्जाम रिजल्ट घोषित करने के ठीक कुछ महीनों बाद जारी कर दिया जाता है, यानी 1 से 2 महीने बाद जो होता है ना कपाल मेंटल का एग्जाम होता है और उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। तो कपाल मेंटल का एग्जाम आप तब दे सकते हैं जब आपका 1 से 2 विषय में ज्यादा नंबर से क्रॉस लग गया है तब, ठीक है ना। तो ये तीन आपके पास ऑप्शन होते हैं रिजल्ट बनाने के। पहला ग्रेस मार्क्स, अगर 1-2-3-4-5 नंबर तक आप फेल हो रहे हैं तो बोर्ड आपको ग्रेस मार्क्स दे देता है। दूसरा, यदि आपको लगे कि इस विषय में मैं फेल होने वाला नहीं हूं, फिर भी आपका बोर्ड आपको फेल कर दिया है, तो उसमें आप रीचेकिंग का ऑप्शन ले सकते हैं, फिर से आप कोशिश करवा सकते हैं, अपनी कॉपी चेक करवा सकते हैं। तीसरा, आपके पास कपाल मेंटल का एग्जाम आता है, किसी 1-2 विषय में आप फेल है तो फिर से उस विषय का आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका आप ढूंढना चाहते हैं तो कोई तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। यदि किसी एक विषय में आपको शक है फेल होने का, तो यही दो तीन तरीका आपको काम कर सकता है उसमें रिजल्ट बनाने का, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे पैसा देकर नंबर भराया, पैसा देकर, ये सब कुछ नहीं होता, सारे के सारे फ्रॉड होते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना। जो लिखाया सो उसी के भरोसे रहिए, रिजल्ट आया तो भी अच्छा, नहीं तो फिर से तैयारी करेंगे, फिर से देंगे। ये दो तीन तरीका की रीचेकिंग दे देंगे, नहीं तो कपाल मेंटल का एग्जाम दे देंगे, ठीक है ना। आपको लगे ना सच में कि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।